ये भी जो सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ ये है वायरस मेकिंग की, किस तरह से आप वायरस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से वायरस इन्फेक्टेड वायरस क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको भी आप वायरस सेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनका कंप्यूटर जो है किसी चीज़ से, किसी फीचर से डिसेबल हो जाए, या फिर उनका कंप्यूटर क्रैश हो जाए, उनकी हार्ड डिस्क जो सी है क्रैश हो जाए, उनका कंप्यूटर ऑन ऑफ होने लग जाए, उनका कंप्यूटर आपका कोई मैसेज कन्वे करे उनको, तो इस तरह के जो उनसे वायरस के जो उनसे ट्रिक्स होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही मज़ेदार जो उनसे ट्रिक्स ये भी सीरीज में मैं लेके आ रहा हूँ। और भी जो उनसे वायरस की ट्रिक्स की वीडियोज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो बनी रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। ये कोड की जो उनसे फाइल है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं और नीचे से जाके फाइल जो उनसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप वीडियो देखें और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप कोड को और ज्यादा मॉडिफाई करके अपने लिए कारामत बना सकते हैं ज्यादा। और नीचे कमेंट करके दोस्तों मुझे बताइएगा किस तरह टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए, क्योंकि मुझे कंटेंट ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या आप लोगों को चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए कि नीचे कमेंट कीजिए, कोई भी टेक टिप्स और ट्रिक्स जो सी आपको चाहिए वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। आप मुझे बताइए कि किस तरह की ट्रिक्स जो सी आपको पसंद आएंगी, किस तरह की ट्रिक्स आपको चाहिए, किस तरह के हैक्स चाहिए। तो देखिए वीडियो, एंजॉय कीजिए और मिलते हैं वीडियो के आखिर में। तो हेलो दोस्तों, आ गए मेरे कंप्यूटर में और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो सा डैमेज कर सकते हैं किसी के कंप्यूटर को। मैं नोटपैड को खोल लेता हूँ, दो नोटपैड खोल लेता हूँ, फाइल जो सी है एक और नोटपैड खोल लेता हूँ, नोटपैड ठीक है, इसको इस साइड पे रख लेता हूँ और इसको इस साइड पे रख लेता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दूंगा, और फॉर्मेट जो है, फॉन्ट जो सा है वो हम चेंज कर लेते हैं। पहला वाला मैं आपको बताने वाला हूं उससे वो होगा टेम्परेरी डैमेज, जो सा रिपेयरेबल है, ठीक है, रिपेयरेबल। तो डैमेज इसका जो सा है, डैमेज कितना है, डैमेज है रिपेयरेबल, रिपेयरेबल, ठीक हो गया। अब फाइल टाइप जो सी, फाइल टाइप आप सेव करेंगे, फाइल टाइप कौन सी सेव करनी है आपने, इसमें फाइल टाइप आपने सेव करनी है, फाइल टाइप आपने सेव करनी है डॉट बैट फाइल के नाम से, यानी कि डॉट बैट आपने लिखना है फाइल की एक्सटेंशन, एज एक्सटेंशन डॉट बैट फाइल होगी। तो अब इसका कोड जो सा है वो मैं लिखने लगा हूँ, कोड ठीक है, आपने ये कोड लिख लेना है। अगर आप ये वाला कोड लिखना नहीं चाहते, अगर आप जो सा इतना काम करना नहीं चाहते, तो आप ऐसा करें कि यही जो सी फाइल जो सी मैं एडिट कर रहा हूँ, इसी फाइल को जो सा है मैं इस वाली फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। कोई भी वहाँ पर जो सा है ऐड वगैरह का सिस्टम मैंने नहीं लगाया हुआ, आप डायरेक्ट जाएंगे और जाकर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आपने लिखना क्या, आपने अपनी फाइल में क्या लिखना है, यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। तो फॉर्मेट इसका भी चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट कर लेते हैं, कैलबरी कर लेते हैं इसको, ये हो गया। आओ फॉन्ट का साइज भी ज़रा सा बड़ा कर लेते हैं, अरे आजा भाई, तो यहाँ पर 20, ओके कर लिया हमने 20। अब आपने सबसे पहले लिखना है एट इको, इको मतलब आउटपुट, ठीक है, जो सा दिखाता है, बाहर दिखाना है, यानी कि उसने उसको हम कह रहे हैं बाहर दिखाओ, ठीक है। ऑफ इको हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। आगे हम करते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन मतलब के आईपी एड्रेस जो सा आपके कंप्यूटर को, पीसी को जो सा अलॉट हुआ होता है वो वाला आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो आगे स्पेस दे दें जरा सी और स्लैश डाल दें, स्पेस ना भी देंगे तो तब भी चले जाएगा, चल जाएगा। और उसके बाद लिखना है रिलीज, रिलीज का मतलब आर ई एल ई ए एस ई, जो से आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस जो सा अलॉट है वो आईपी एड्रेस नहीं रहेगा। तो जब आईपी एड्रेस नहीं रहेगा तो कैसे आपका आपके जो सा है कंप्यूटर पर इंटरनेट चल सकेगा, राइट। तो ये वाला कोड जो सा है आपने, सिर्फ इतना सा कोड है, ये आपने कोड जो सा लिखना है और फाइल को सेव कर देना है, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पर सेव कर दें, जो जैसे मर्जी सेव कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ख्याल आपने ये रखना है कि इसको ऑल फाइल्स करना है और इसको कोई भी नाम दे दें, जिस तरह के कोई भी नाम, इंटरनेट
इंटरनेट डिसेबल, इंटरनेट डिसेबल नाम दे दिया मैंने। डॉट, डॉट लगा के आपने बैट लगाना है, यानी कि आपको मैंने बताया था कि ये बैट फाइल बनेगी, ठीक है, बैट फाइल बनाना है इसको। तो बैट फाइल जो सी होती है ये एक किस्म की जो सी है एग्जी फाइल तो नहीं होती है, खैर ये वायरस बनाने के लिए बहुत मज़ेदार होती है। तो वायरस बनाने में तो अपना एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो आपने क्या करना है कि डॉट बैट फाइल के नाम से फाइल बना लेनी है, इसको कहीं पे भी स्टोर कर लें, डेस्कटॉप पे मैंने स्टोर किया, ठीक है। तो सेव कर लिया, इंटरनेट डिसेबल, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अच्छा तो अब आपने करना क्या है, मैं यहाँ से फाइल देखता हूँ, इंटरनेट डिसेबल, ठीक है, ये देख रहे हो इंटरनेट डिसेबल, मैंने लिखा इंटरनेट डिसेबल तो ऊपर आ गया इंटरनेट डिसेबल डॉट बैट। ये फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, इसको गलती से भी क्लिक नहीं करना है, लेकिन आप कर भी सकते हैं ट्राई करने के लिए, क्योंकि ये रिपेयरेबल है। अच्छा, रिपेयरेबल कैसे है, यानी कि आपने इसको रिपेयर करने के लिए क्या करना है, मैंने बताया था रिपेयरेबल है। तो रिपेयरेबल करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल बनानी है, उसके अंदर वाला क्या लिखना है, उसके ऊपर आपने लिखना है आईपी रिन्यू कर देना है। सिंपली आपने क्या टाइप करना है रिपेयरेबल के लिए, आपने सिंपली टाइप आईपी कॉन्फिग रिन्यू, ठीक है, सिर्फ इतना टाइप करोगे, जो सा हाईलाइट मैंने किया है यहाँ तक हो जा भाई, हाँ इतना इतना आप टाइप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा आपकी अलॉट हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है रिपेयर कर सकते हो दोबारा से। अब अगली जो सी है, अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो रिपेयरेबल नहीं है, वो है नॉट रिपेयरेबल, मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉट रिपेयरेबल, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी आदमी को बहुत ही ज्यादा बेचने की लगी हुई है, तो अगर आप उसकी चीज खरीदना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा, पुरुषा नहीं यहाँ पर आता है और मुझे वीडियो नहीं बना देता। और अगर आपको ऐसा भी कोई बंदा तंग कर रहा है तो उसे मुझे फौरी बताइए, हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए से आप जो सा है उस बंदे को मार सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसलिए जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये थी सारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपको और भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस चाहिए, और मुझे बताइए किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, तो मैं वैसी वीडियोस अपलोड करूंगा और मुझे पता चलेगा कि कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, तभी मैं वैसी ही वीडियोस जो है अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाजमी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।